तो आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस अशर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिस जब आप इत्र का जब भी नाम लेते हैं, जब भी आप इत्र का नाम लेते हैं तो आप इस का इत्र ज़रूर आपके दिमाग में आता है, तो ये है गुलाब। तो रचित भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ दोबारा से इस YouTube हेलो राम भाई। चैनल पर, इस वीडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूह गुलाब के बारे में। तो रूह गुलाब क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये किस तरीके से गुलाब के अतर से अलग है, और भी बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछे, उन सब सवालों का आज हम रचित भाई से जवाब तलाशेंगे। रचित भाई, जो मेरा पहला सवाल है कि जो ये रूह गुलाब है, सबसे पहले रूह क्या होता है और गुलाब गुलाब की रूह क्या हुई? देखिए राम, रूह के बारे में हमने काफी पहले भी वीडियो में बात की हुई है। रूह मीन्स होता है, जैसे आप समझो एक सोल, जैसे फ्लावर हो गया, ठीक है। फ्लावर का समझो आप, जो एक जैसे मेन जो ऑयली अंदर जो ऑयल रहता है, गुलाब के जो पेटल्स होते हैं उसमें जो मेन ऑयल रहता है, उस चीज को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से उसको निकाल लेते हैं। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म निकल के आती है, मतलब मींस उसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं है, ना तो सैंडलवुड बेस ऐड है या सैंडलवुड ऐड है, ना तो कोई डीओपी कुछ भी ऐड नहीं है। सिर्फ जो भी है, एक नेचुरल चीज निकल के आती है, एक ग्रीसी चीज निकल के आती है, वो है रू गुलाब। और उसे आप बोल सकते हो रू भी, मींस आप ऐसा समझ लो, रू एक सोल है जो उस पत्ती और इस फूल से निकल के आती है, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं है। और कुछ ठीक है, जैसे कि एक आदमी का जो बेस है उसकी आत्मा है, आप उसकी आत्मा हटा दीजिए, जो जीवन शक्ति है उसके अंदर, दैट इज़ आत्मा, उसको निकाल दीजिए तो आत्मी का शरीर किसी काम का नहीं है। तो रचित भाई ने मुझे जो पहले भी चीज़ बताई थी रू गुलाब के बारे में कि गुलाब को गुलाब आप एक कह रहे 1000 किलो गुलाब में से बहुत थोड़ी सी रूह निकलती है, रूह ऑयल फॉर्म में होती है, राइट रचित भाई? हाँ जी, हाँ जी, और वो बहुत बहुत लंबी प्रोसेस के बाद और बहुत मेहनत से 1000 किलो, रजित भाई कितना निकल जाता होगा अगर 1000 किलो में गुलाब की बात करूं, उसमें से कितनी रूह निकलती देखिए होगी? अब उसमें उसमें राम में डिपेंड करता है कि जैसे ये जो रू गुलाब होता है, ये जो हमारा चैती गुलाब होता है, उसमें उसके फ्लावर से डिस्टिल की जाती है। और वो तो बेसिकली मार्च या अप्रैल में आता है, जो एक अच्छी रू बनती है गुलाब की। तो उसमें आप ऐसा समझ लो, जब ज्यादा गुलाब आप डालते हो, जैसे मान लो आपने 1000 किलो डाला, 2000 किलो डाला, तो आप समझ लो 0.25 ग्राम निकल आई या 1 ग्राम, मतलब मींस आप समझो 1 ग्राम से कम ही रहती है इस रेशियो में। अच्छा फिर जब इससे ऊपर डालते हैं, इससे ऊपर गुलाब डालते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या रेशियो के हिसाब से आ रही। तो ऐसे बनते बनते सब जाके वो कहीं 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, सब बन के आती है वो। अच्छा तो इसमें कोई एक पैरामीटर फिक्स नहीं है कि जैसे 1000 किलो फूल में या 2000 किलो फूल में 1 ग्राम निकल आएगी या 2 ग्राम निकल आएगी या 0.25 ग्राम निकल आएगी। ये तो इंस्टेंट उस टाइम ही पता लगता है कितनी निकल रही है। अप्रोक्सीमेटली एक रहता है कि यहाँ 0.25 ग्राम निकल सकती है, ये रेशियो रहता है बस। अच्छा तो मतलब ये निकालना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा गुलाब का यूज़ करके बहुत कम रूह गुलाब बनती है, तो आपका ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो दूसरा मेरा प्रश्न इसमें ये है रजित भाई कि जो ये रूह गुलाब है, ये गुलाब के इत्र से कैसे अलग है, और उस इत्र से कैसे अलग है जो मार्केट में लोग ले रहे हैं, 100-100 रुपये के जो इत्र मिलते हैं गुलाब के नाम पे, उससे कैसे अलग है, और गुलाब के इत्र से जो आप लोग देते हैं नेचुरल, उससे कैसे अलग है? गुलाब के इत्र से और रू गुलाब में अगर ऐसे देखा जाए तो कोई इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली जी बात तो ये कि जब आप जैसे रू गुलाब आप लगाते हो ना, तो एक अलग ही फील है उसको लगाने का। आप समझो अच्छा उसको, आप उसको एक बार आप अतर लगाओगे, एक बार आप रू लगाओगे, उसकी जो नोट्स हैं वो बहुत ही अलग है। आप उसको अलग फील कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये रू गुलाब है, ठीक है, ये जो ग्रेड 1 का है। अच्छा ये हाँ, ग्रेड वन का अब रूह जैसे गुलाब मां, हाँ ग्रेड जी वन का है। अब इसको हम जब यहाँ ऐसे लगाते हैं, जब तो आप समझिए इसमें एक बहुत ही अलग नोट निकल के आती है, जो कि गुलाब अतर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब गुलाब अतर में ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि गुलाब अतर बनाने के लिए हम एक बेस का यूज करते हैं। वो बेस हमारा सैंडलवुड भी हो सकता है, वो बेस हमारा डीओपी भी हो सकता है, और अदर कोई बेस भी हो सकता है। अब जब बात रोगुलाब की आती है, तो रोगुलाब में क्या होता है, इसमें कोई बेस नहीं है। एक जो प्योरेस्ट फॉर्म, एक जो सॉफ्टनेस फूल की होती है, वो निकल के आती है और आके वो हमारे उसमें जो भपका होता है उसमें आके इकट्ठी हो जाती है।
फिर हम उसको कलेक्ट करने का काम, वो अलग प्रोसेस होता है कि हम उसको निकालते हैं अलग से, लेकिन एक जो सॉफ्ट नोट्स होती हैं, सॉफ्ट चीजें होती हैं, आप समझ लो वो इसमें कलेक्ट होती है आके। कोई भी हार्डनेस नहीं है, बिल्कुल एकदम से प्यारी सी स्मेल है, बहुत बढ़िया है रू गुलाब। जी, तो जहाँ तक मैं समझा हूँ रचित भाई, जो लोग फ्लोरल खुशबुएं पसंद करते हैं, गुलाब तो कहने की बात ही नहीं है। इत्र से, इत्र का जब भी आपके दिमाग में आता है तो आपके माइंड में गुलाब सबसे पहले आता है। गुलाब, चंदन, रजनीगंधा, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं। तो जो गुलाब के शौकीन दर्शक हैं हमारे, जो गुलाब को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, गुलाब के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मेल फीमेल दोनों उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फूल है तो फीमेल के लिए है, क्योंकि रचित भाई ने जो मुझे इत्र भेजे थे सैंपल के तौर पे, उसमें इनका जो गुलाब का टॉप क्वालिटी का अतर है, रचित भाई ने मुझे तीन अतर भेजे थे। एक ऊद वेटिवर का भेजा था, रूखस भेजा था, और ये, और आप मानेंगे नहीं रचित भाई, सबसे पहले कौन सा ख़त्म हुआ इत्र? गुलाब। गुलाब गुलाब खत्म है और वो दोनों इत्र अभी तक रखे हुए हैं। तो गुलाब पूरी फैमिली में मेरी सबको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और आप देख लीजिए, मुझे लगता नहीं 1 महीने भी वो चला होगा। तो गुलाब सबको बहुत पसंद आता है, चाहे किसी भी एज के हों, चाहे मेल हों, फीमेल हों, सबको गुलाब बहुत पसंद आता है। और रचित भाई ने जैसा भी बताया कि रूह गुलाब, जिनको प्योर गुलाब बहुत पसंद हो, आपने गुलाब के बहुत सारे इत्र ट्राई कर लिए हों, आपका पास अच्छा खासा कलेक्शन हो, और आपके पास थोड़ी सी पॉकेट भी आपकी अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि रूह गुलाब इतनी मेहनत के बाद इतने सारे गुलाब में से थोड़ा सा ऑयल निकलता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रजित भाई, ऑयल है एक हाँ जी तरीके हाँ जी से, हाँ जी बहुत हाँ जी हाँ लंबी जी प्रोसेस के बाद बिना किसी बेस के थोड़ा सा ऑयल निकलता है गुलाब में से। ऐसा नहीं कि गुलाब को आपने मसल दिया तो ऑयल निकल गया, दैट इज़ नॉट रूह गुलाब। एक हर अब आप देख लीजिए, रजित भाई ने बताया 1000 किलो भी फूल डालेंगे तो बहुत थोड़ी सी रूह निकलती है। तो रूह जो बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में पसंद करते हैं, लगाना चाहते हैं, वो 1 ml का सैंपल मंगवा सकते हैं। रचित भाई ने जैसे बताया 1 ml में भी अब अवेलेबल है। दूसरी चीज़ रचित भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका रूह गुलाब है, ये यूज़ कहाँ होता है? इतना महंगा है, क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया ये आई थिंक कितने 1000 रुपये का 10 ग्राम के आसपास आता है रचित भाई? देखिए, उसमें अगर आप ग्रेड वन की बात करते हैं तो 10 ग्राम आप ऐसे मान के चलो 20-22 लाख रुपए पर केजी के लमसम आता है, पर पर केजी का केजी रेट है ये। हाँ, जी और ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स रेट नहीं। फिर सेकंड ग्रेड का अलग रेट है, थर्ड ग्रेड का अलग रेट है। अच्छा, इन ग्रेड्स में फर्क क्या है? पहली ग्रेड के रू गुलाब में क्या है, सेकंड ग्रेड में रू गुलाब में क्या है? देखिए, इसमें इसमें फ्लावर का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए जो जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो फ्लावर आता है उसमें रू अलग निकलती है, सेकंड ग्रेड वाले फूल में रू थोड़ी अलग निकलती है, थर्ड ग्रेड वाले में अलग निकलती है। क्योंकि उसमें कभी कभी क्या है, थर्ड ग्रेड वाले में क्या है, फ्लावर भी है, पत्ती भी है, जो कुछ भी है सब कुछ उसमें डाल दिया। तो उसमें मान लो फूल जैसे 30% फूल है, 40% कुछ और है, कुछ और का मीन्स गुलाब से रिलेटेड चीज होती है, पत्ती वत्ती जो भी है, तो सब कुछ एडजस्टेल हो जाता है। तो वो रू अच्छा कहाँ, वो तो अच्छा 30-40% की रू रही, ये चीज होती है उसमें। अच्छा तो मैं समझता था कि एक ही फूल को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड टाइप में जब यूज़ नहीं करा नहीं फूल को तो सेकंड ग्रेड का बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं हाँ ठीक है, तो ये मतलब तीन तरह के अभी रजित भाई के पास ग्रेड अवेलेबल हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। पॉकेट अगर आपकी अलाउ करती है अच्छा खासा, तो आप रू ग्रेड में 1 में जाइए, उसके बाद सेकंड या थर्ड। बट तीनों में बहुत बहुत ही ज़्यादा फर्क आ जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, एक बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म होता है, बिल्कुल प्योर होता है, एक में आपको थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट रजित भाई एकदम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी से, कि आपको रू 1 के नाम पर कुछ और दे दिया और थर्ड के नाम पर कुछ और बिल्कुल ही बेकार चीज़ दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि रू 1 की काफ़ी डिमांड रही है, रजित भाई जैसे बताते हैं रू 1 की भी क्वेरी आती है, और ऐसे लोग आज भी हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, जो रूह ही प्रेफर करते हैं। उनका बजट है इतना कि वो इत्र के नाम पे सिर्फ रूह मंगाते हैं और कुछ नहीं मंगाते। तो यदि आपको लग रहा है कि कौन इतना महंगा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रचित भाई, रूह की जो सबसे ज़्यादा खपत है, कहाँ डिमांड रहती है इसकी सबसे ज़्यादा? देखिए, रू की अगर ऐसे बेसिकली हम खपत की बात करें तो जो रू गुलाब है इसकी जो यूज है, इसका मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेडिसिन में, अब जैसे मेडिसिन में हम लोग घरों में भी उसका यूज कर सकते हैं, जैसे आपका एलोवेरा जेल हो गया। एलोवेरा जेल में आप इसको डायल्यूट करके, जैसे मान लीजिए स्किन के स्केयर्स होते हैं, पिंपल्स हैं और डार्क सर्कल्स हैं, इन सब चीजों में ये काफी यूज में आता है। लगाने अच्छा का पर्पज तो इसका एक अलग है कि आप इसको पर्सनल यूज में लेते हो, वो एक अलग चीज है। बाकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज इसकी बहुत है, मेडिसिन में काफी यूज किया जाता है इसको।
और अच्छा हमारा पान मसाला इंडस्ट्री में और ये टोबैको कंपाउंड में तो यूज होता ही है, ये वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अभी हम लगाने की अगर बात करते हैं तो पर्सनल यूज में आता है, मेडिसिन में आता है, इन सारी चीजों में आता है, यूज आता है। अच्छा तो एक एक ऐसा इत्र है, एक ऐसी रूह है गुलाब, जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों में, पान मसाला इंडस्ट्री एंड ऑल। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर जैसे कि ये रूह गुलाब की हम बात करते हैं, रूह गुलाब जो आप देते हैं, वो जो बाकी लोग रूह गुलाब दे रहे हैं मार्केट में, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रूह गुलाब बेचते हैं, उनके रेट में और आपके रेट में फ़र्क है? क्योंकि जब भी कोई रूह गुलाब के बारे में सर्च करेगा तो वो डेफिनेटली अलग अलग वेबसाइट पर जाएगा, हो सकता है आपके पास भी आए, आप बोलेंगे जी इतना रेट है, बाकी वेबसाइट तो उतने में दे रही है। तो ये क्वेश्चन होता ही है, ये बहुत क्वेश्चन मेरे पास आया है कि जी दूसरी वेबसाइट तो इतने में दे रही है, दूसरी वेबसाइट तो आपसे हाफ रेट में दे रही है। तो अब आप मुझे बताइए उनसे किस प्रकार से अलग हैं, या फिर क्या डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस है दोनों में? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो प्राइस जी सेगमेंट का एक बैरियर होता है कि मान लीजिए अगर मैं कोई 100 में कोई चीज दे रहा हूँ, आप 50 में दे रहे हैं, ठीक तो है, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ऑल ओवर इंडिया में, ये मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे सस्ते में अगर कोई दे दे नेचुरल में, अच्छा तो आप मुझे बताओ। हाँ आप मुझे बताओ आपको किस रेंज में चाहिए, जिस रेंज में आप बताओगे उस रेंज में मिल जाएगा। बट ये है कि अब आप 2,000 रुपए किलो को कंपेयर करोगे 20-22 लाख वाली चीज से, वो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे जो रेट बताओगे उस रेट में मैं नेचुरल प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अब बात अच्छा आती है किस तरह से अलग होता है। अब आपको मैं बताऊं, आप किसी वेबसाइट पे देखो या किसी अनदर सेलर को देखो, तो कभी आपको उसने ये नहीं कहा होगा मेरे पास रूह की इतनी ग्रेड अवेलेबल है। अच्छा कभी भी आपने अगर देखा हो, आप कभी भी साइट पे सर्च करना, वेबसाइट पे सर्च करना, कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ग्रेड वन का ये प्राइस है रू गुलाब, या ATC कोई भी रू हो गई, या ग्रेड टू का ये प्राइस है। अब मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेड वन आपको रू गुलाब सजेस्ट किया, तो ग्रेड वन ही आपके पास जाएगा क्योंकि वो अलग कॉस्टली है, उसकी क्वालिटी भी अलग है। अब मेरा वो वाला काम नहीं है कि थर्ड ग्रेड का बता के आपको उसको जो मैं फर्स्ट ग्रेड में दे दूं, ये चीज, ये अलग, ये वाला काम नहीं है। तो मेरे पास तीनों चीज रेंज अवेलेबल रहती है, ग्रेड ग्रेड वाइज। उससे कम में ही मिलेगा जो आपको वेबसाइट पे मिल रहा है रूगुला, उससे कम में ही मेरा मिलेगा, बस वो ग्रेड अलग होगी, और ग्रेड वो डेफिनेटली अलग होती है उनकी जो वेबसाइट पे मिलता है। ठीक है, ये बहुत आप अच्छी तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थी। सीधे 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 कंपेयर कर सकते हो चीजों को, क्यों, देखिए जिस चीज का रेट मैं कह रहा हूँ, अगर 100 रुपए की वो चीज बन के ही आ रही है तो आपको कैसे मिल जाएगी वो 100 रुपए की, जब वो बन के आ ही रही है चीज, तो हमारा उसमें प्रॉफिट होगा, फिर हमारी लेबर लगती है, जो भी चीज होती है, तो वो कहाँ आपको मिल जाएगी 50 रुपए में। बिल्कुल जेन्यून बिल्कुल जेन्यून चीज का, जेन्यून चीज का रेट अलग ही रहता है हमेशा। ठीक है रचित भाई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी है। देखिए ये चीज़ मैंने भी फील करी कि रचित भाई, जैसे कि अब रू गुलाब की बात करी, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो हो सकता है रू गुलाब, जैसे कि अभी रचित भाई 10 ml के आसपास कितने का है? आप देखिए वीडियो पे प्राइस ऐसे डिस्कस करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अब अच्छा आज रेट कुछ और है, कल रेट कुछ और होगा, लेकिन ये है कि जो भी ग्रेड्स होंगी फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, वो मार्केट से कम में ही होंगी और क्वालिटी में उससे ऊपर होंगी। आपको ठीक भी है, जो वेबसाइट पे मार्केट मिलता है, हाँ जो वेबसाइट पे मिलता है वो, उसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं कैसी है क्या है, लेकिन जो उस क्वालिटी का वो दे रहे हैं, मैं उससे, मेरी थर्ड क्वालिटी भी उससे बेटर होगी जो थर्ड ग्रेड है मेरी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो वेबसाइट पे आपको, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पे, 1 ग्राम या 1 ml की मैं बात करूँ, अगर आपको मिल रहा है मान लीजिए 3,000 रुपये का, तो रचित भाई के पास आप जा रहे हैं तो वो बोलेंगे जी 5,000 का है, आप बोलेंगे इतना महंगा क्यों, रजित भाई बोलेंगे 3,000 वाला चाहिए वो भी मिल जाएगा। बट जो आप नेट से लेंगे, जो बना नहीं रहे हैं और पता नहीं कहाँ से लेके रूह बेच रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोगों की रूह ख़राब है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, पर ऑथेंटिक जगह से लीजिए, जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, मैन्युफैक्चरर के रजित भाई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, आप रूह मिलेगी आपको। बट रूह में आपको अगर थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड तक जाना है, आप क्योंकि आप भी देखिए जब जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं किसी पर ग्रेड नहीं लिखा होता है, सब लोग लिख देते हैं रूह गुलाब। अब आप लीजिए उसमें कितनी चीज़ें हिडन है कि भैया उसमें कितना रेशियो में क्या था, ये तो इन्होंने साफ बता दिया कि जो अगर फर्स्ट ग्रेड का है उसमें पत्तियाँ वत्तियाँ नहीं डिस्टिल करी है हमने, प्योर आपको गुलाब मिल रहा है। सेकेंड थर्ड ग्रेड में वो पत्तियाँ मतलब इतना फिल्टर नहीं करते हैं। अब आप बताइए 1,000 किलो फूल में पत्ती कौन छाटेगा, बट अगर आप फर्स्ट ग्रेड का ले रहे हैं तो पत्ती भी छाटेंगे, पत्ती छाट के आपको गुलाब प्योर मिलेगा। ये मेन डिफरेंस है, हर कोई बताता भी नहीं है ये। अब जैसे कि रचित भाई ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, हर कोई बताता भी नहीं है ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। तो रचित भाई ये जो गुलाब है इसके वह इतिहास के बारे में बताइए, कन्नौज से कैसे जुड़ा है और मतलब इतिहास क्या रहा है इसका, जो इत्र इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो।
अगर हम रू गुलाब की बात करते हैं तो रू गुलाब का जो स्त्री है वो बहुत पुरानी रही है। जो राजा महाराजा पहले होते थे या जो भी हमारा जो ये जो आप समझो ताज वाज महल में ये सारी चीजों में जब ये रानियां इत्र का यूज करती थी तो सिंपल एक फंडा होता था कि जो एक बड़ा बर्तन टाइप का है उनका, उन्होंने उसमें पत्तियां डाली या उस टाइम पे जो भी प्रोसेस रहता होगा तो क्या करते थे वो डायरेक्ट फूल वूल डाल के उससे जो है उसका डिस्टिलेशन कर लेते थे वो। या तो वो भट्टी वट्टी का सिस्टम वही रहता था पहले, लेकिन वो पुरानी बात थी तो उस हिसाब से वो होता होगा, लेकिन वो भट्टी वट्टी का सिस्टम करके और उसको भी डिस्टिल कर लेते थे। तो आप जी समझो ये तो बहुत काफी मेरे हिसाब से तो 150 साल से बहुत पहले की बात होगी, ये 200-300 साल पहले की बात होगी, तब से रोगुलाब का यूज है, काफी पुराना इत्र है ये रोगुलाब, ठीक है। आज का इत्र तो नहीं है, काफी पुराना इत्र है। जी, तो इस वीडियो में हमने लचित भाई के साथ रूह गुलाब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगे हमने डिस्कस करे, और हमारा यही एम था कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों का शेयर करी जा सके। और ये जो जानकारी आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी इसके अंदर मैनिपुलेटेड या गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो इस वीडियो में हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पे ओवर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। और अगर फिर भी आपके रू गुलाब या किसी भी इत्र से रिलेटेड कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है और भी डिटेल्स दी गई है कॉन्टैक्ट करने के लिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रचित भाई को, और जितने भी इत्र हैं या जो भी रू गुलाब है आप मंगवा सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।